हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टेक्निकल में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, एक सिंगल कॉन्टेक्टर का और MCB और दो पुश बटन से हम लोग स्टार्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताने वाला हूँ और पूरी वायरिंग डायग्राम समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा स्नाइडर का कॉन्टेक्टर है, LC1D25 है। ठीक है, और इसके बाद में ये हमारा इसका ये और यहाँ ये जो दोनों एनो पॉइंट है 13-14, और ये हमारा 21-22 है, ये NC है, और A1 A2 ये हमारा कोयल है। ठीक है, ये A1 A2 हमारा ये कोयल है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले और बता देता हूँ इसकी कुछ खास बातें। ये देखिए, ये इसको खोल के आप यहाँ पे नंबरिंग वगैरह कर सकते हैं, क्या नाम वगैरह कुछ लिख सकते हैं स्टार्टर का, या फिर आपको याद रखने के लिए इसकी नंबरिंग अच्छी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम लोग ऐसे लगा देंगे। तो देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक MCB लेंगे, MCB ले रहे हैं, और टू पोल MCB नहीं है तो भी चलेगा फ्रेंड्स, सिंगल पोल MCB बहुत है। और अभी इसमें एक वायर इधर लगाने का है, दूसरा वाला इधर लगाने का है, और फिर ये दो, ये एक ब्लैक वाला वायर लेने का है। ब्लैक नहीं लिया, मैं ब्लू लिया हूँ, ये हम लोग न्यूट्रल के ही यूज़ करेंगे, और बाकी वाले वायर ये हम लोग इसके फेस के लिए यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसका अब एक वायरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वायर इधर जोड़ दिया हम MCB में, दूसरा इधर जोड़ दिया है, और अभी बाकी का वायर, ये जो एक आ रहा है इसका, इसके इसमें फ्रेंड्स ये पुश बटन में चार, ये देखिए चार टर्मिनल है। तो कैसे ये आपको समझोगे, यहाँ पे बीच में लिखा हुआ होता है, ये देखो ये NO लिखा है इधर, और इसके बीच में ये NO है, और ये दोनों के बीच में NC। तो ये रेड बटन हम लोग NC के लिए यूज करेंगे, आप चाहो तो NO भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको NC के लिए यूज करेंगे। तो एक वायर तो आते ही हमारा इसमें डायरेक्ट लग जाएगा, NC का कोई भी सिरे में हम लोग एक वायर इसका डायरेक्ट लगा देंगे। ये देखिए, हम लोग NC में एक वायर लगा देते हैं, और फिर उसको अच्छे से टाइट कर लेने का है। ये मैंने टाइट कर लिया है। अभी हम लोग दो वायर के टुकड़े लेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा इधर जोड़ देंगे NC के दूसरे साइड में। वायर के दो टुकड़े एक जगह जोड़ने हैं NC के दूसरे साइड में, ध्यान रखने का फ्रेंड। ये देखिए, ये हम इसमें जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया है। फिर एक वायर फ्रेंड हमारे इसमें आ जाएगा, ये जो NO पुश बटन है इसका, ये देखिए यहाँ पे NC है ये दोनों, और ये दोनों पॉइंट NO है, तो हम लोग NO जोड़ देंगे। वीडियो को पूरा देखना है फ्रेंड्स, स्किप नहीं करने का, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ये हम टाइट कर लिया इसको, और दूसरा वाला जो वायर एक NC से आ रहा है फ्रेंड्स, ये दूसरा वाला हम लोग इसमें जोड़ देंगे, इधर NO में, ऊपर वाले NO में जोड़ देंगे। ये देखिए, हम ऊपर वाले NO में जोड़ दिया है दूसरा वाला वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जो छोटा वायर है इसको यहाँ पे लूपिंग करेंगे A2 में और NO में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, हम लोग पहले इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, NO का जो ये पॉइंट है इधर जोड़ लेंगे। ये वायर एक NO को दूसरे पॉइंट में जोड़ दिया है, आप चाहो तो ये वाला वायर इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा वायर, अपन ये वाला वायर हम लोग इधर लगाएंगे, ये NO के आउटपुट में लगाएंगे 14 नंबर में, 13 में तो वो लग गया डायरेक्ट वाला, और ये पुश बटन ऑन करेंगे वो आउटपुट में लगाएंगे। इसके साथ एक छोटा लूपिंग करना है अपने को, ये साथ में लूपिंग का जोड़ दिया हूँ मैं, और यहाँ से ही दूसरा ये लूपिंग इधर लग जाएगा A2 में, जो कोयल का दूसरा सिरा है। ठीक है, और कोयल का फर्स्ट सिरा में हम लोग न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, न्यूट्रल के लिए ये वायर काट के रखा है हम लोग, तो यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये लगा दिया है, ये कंट्रोल वायरिंग है फ्रेंड्स, सिर्फ ये हमारा स्टार्टर बन के तैयार है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये पूरा है, ये देखिए, ये हमारा स्टार्टर को हम लोग अभी सप्लाई दे देंगे इधर। ये दोनों वायर एक न्यूट्रल का डायरेक्ट लगा दिया है, और ये फेज का है, अभी इसको हम सप्लाई देंगे।
तो सप्लाई दे दिया है, फिर अभी सप्लाई ऑन करके हम लोग इसको एमसीबी को ऑन कर ले, ये ऑन कर लेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ से ये पुश बटन ऑन करेंगे, ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसको मैं निकाल के बता देता हूँ, कॉन्टेक्टर जो ऑन होता है ये देखिए, बहुत सरल है फ्रेंड्स, ये रहा, ठीक है, ये देखिए हो गया ऑन। अभी हम लोग इसको बंद कर लेंगे, आप चाहो तो इसके बाद में पूरी वायरिंग कर सकते हो, यहाँ पे थ्री फेज देना है, यहाँ से थ्री फेज निकल के सीधा मोटर को लगा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।